स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन दी गिवन सर्किट इज, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताइए। देखिए, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि ए और बी जो है ये एक ओपन सर्किट है, ठीक है। ए और बी क्या है, एक ओपन सर्किट है, मतलब कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हमें वो निकालना है तो सबसे सिंपल सी बात ये है दैट कि देखिए, ए और डी के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से बी और सी के बीच में भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करने का कोई चांस बन नहीं रहा, ठीक है। तो इस वजह से आप सिंपली अगर डी से लेकर के सी तक का पोटेंशियल भी निकाल देते हो, डी से लेकर के सी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हो, तो आप तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका ए से बी के बीच ही आएगा, क्योंकि ए से डी तक तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं और बी से लेकर सी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। समझ रहे हैं? तो इसमें आप समझ गए प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस वही रहेगा दैट कि आप ए और डी के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर है ही नहीं तो ए और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा, बी और सी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दैट मीन्स बी और सी का भी पोटेंशियल सेम रहेगा, तो आप डी और सी के बीच का पोटेंशियल निकाल दो, काम हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये पहला, फिर ये दूसरा, इस तरह से जो है सर्किट दिया हुआ। देखिए ये 1 वोल्ट है, तो इसको आप क्या करिए ना, इसको आप लिख दीजिए E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको लिख दीजिए E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसको E3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो चूंकि तीनों पैरेलल में, तो अगर यहाँ पर टोटल EMF निकालनी है या इक्विवेलेंट EMF निकालनी है, तो E इक्विवेलेंट जो होगी ना उसकी फॉर्मूला यहाँ पे होगी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारी जो है ना इक्विवेलेंट EMF यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट EMF यहाँ पे हो जाएगी E1/R1 मतलब 1/1, E2/R2 2/1, E3/R3 3/1 डिवाइडेड बाई, तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये आ जाएगा 3 2 5 1 6, 6/3 2 वोल्ट। मतलब EMF हमारा जो आ गया E1 E2 E3 का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया वो आ गया 2 वोल्ट। सिंपल है, 2 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में हैं तो उनका क्या आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो कि सेम है तीनों, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स कि आपका जो आर इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 1/3। मतलब क्या हुआ इसका कि जो सर्किट गिवन था ना, इस सर्किट को अगर आप चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो, ये 2 वोल्ट और ये 1/3 ओम, और ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया सी। तो डी और सी के बीच का पोटेंशियल आपको कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट ही तो मिल रहा है। दैट मीन्स कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल भी वही होगा 2 वोल्ट। समझ गए? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।